आज मैं अपने सारे के सारे टूल एंड आर्मर इन सबको इंचेंट करने वाला हूँ। एंड ये कोई नॉर्मल इंचेंटमेंट नहीं होने वाली भाई। हालांकि हम थोड़ी बहुत कम इंचेंटमेंट करेंगे, पर जितनी भी करेंगे ना वो एकदम टॉप नॉच होंगी, जिससे कि हम काफी इजीली अंडरडैगन को किल कर सकते। वैसे भी यार मेरा जो मेन टारगेट है ना वो सीधा अंडरडैगन है। अंडरडैगन को किल करते ही ना अपनी जो माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज है ना उसका डी एंड हो जाएगा। एंड यही मैं चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ उसके बाद हम अपनी माइनक्राफ्ट की नई सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाए जाके वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बाकी अभी बिना टाइम गवाए चलते चलते अपनी गेम में, लेट्स गो। ओके सो गाइस यार आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट के प्यारे से वर्ल्ड में। एंड लिटरली बता रहा हूं भाई, मैं इतने टाइम के बाद ही साली गेम को खेल रहा हूं ना कि मैं भूल भी गया हूं कि माइनक्राफ्ट को खेलते कैसे हैं। एंड वेट अ सेकंड, ये मॉन्स्टर अबे तेरी ऐसी की तैसी भाई। बाकी हाँ भाई, इतने टाइम बाद मैं इसको देख रहा हूँ, इसको मारना तो बनता ही है। ये ले भाई, अभी देखो अपनी जो स्वॉर्ड है ना वो इतनी पावरफुल नहीं है कि मैं इसको एक ही हिट में मार सकूं, बट आज मैं इसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने वाला हूँ। एंड वेट अ सेकंड भाई, बाहर साइड पे ये क्या चल रहा है भाई, वट इज दिस। जब भी मैं गेम प्ले बनाने के लिए बैठता हूँ भाई, हर बार मेरे वर्ल्ड में भाई बारिश होती है यार। पता नहीं भाई मेरे वर्ल्ड ने क्या सस्ते नशे कर रखे हैं, और बिजली भाई सब बहुत तेज कड़क रही है। मैं काम करता हूँ घर में, चलता हूँ कि पता लगे मेरे ऊपर बिजली गिर जाए एंड मैं वहीं पे खत्म। बाकी ऐसा सीन बहुत ज्यादा रेयरली होता है भाई साली गेम में। गाइस यार ये रही वो सारी की सारी एन्चेंटमेंट जो कि आज मैं अपने सारे के सारे टूल एंड आर्मर पे करने वाला हूँ। एंड इनको मैंने लिख के रखा है ताकि मुझे भाई सब उनको बुक्स को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत ना आए। ऐसे तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी बुक कहाँ पे लगनी है। बाकी अब क्या करता है, आराम से पढ़ते हैं भाई, कल की प्यारी सुबह के साथ उठते हैं एंड फिर देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, यार सुबह हो चुकी है। एंड सबसे पहले तो भाई आप यहां का प्यारा सा व्यू देखो भाई, ये देखो भाई कितना ज्यादा प्यारा वर्ल्ड लग रहा है। एंड जो यहां पे ये पानी पड़ा है ना भाई और सूरज वहां से निकल रहा है भाई, सब कुछ एकदम टॉप नॉच है। बाकी हां आज हमको भाई इससे एनवायरमेंट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आज हमको बेसिकली अपने टूल्स पे फोकस करना है। एंड इसका ना आवाज क्यों कम आ रही है भाई, इसकी वेट आवाज कम लग रही है मुझे। ओके सो गाइस यार अभी के टाइम पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली मैं हमारी सर्वाइवल सीरीज में चल क्या रहा है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने अपना एक प्यारा सा वर्ल्ड बनाया है जहाँ पे मैंने काफी सारे बिल्ड किया है यार। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सी फार्म बनाया है, फूड फार्म बनाया है, आयरन फार्म बनाया है, पशुपालन फार्म बनाया है, वुड फार्म बनाया है, अपने रहने के लिए एक प्यारा सा छोटा सा घर बनाया है। एंड यहाँ तक कि मैंने एक विलेजर हॉल भी बिल्ड किया था। एंड लास्ट से लास्ट वाले एपिसोड में मैंने एक ट्रेडिंग हॉल बिल्ड किया था जहाँ पे मैं काफी सारे विलेजर्स को लेके आया था। एंड मैंने उनको लाइब्रेरियन की जॉब दी ताकि इनसे ना इंचेंटेड बुक ट्रेड कर सकूं। एंड लास्ट वाले एपिसोड में मैंने इनके ट्रेड के प्राइस को कम करवाने के लिए इनको ज़ोंबी से कटवाया ताकि ये ज़ोंबी विलेजर बन जाए। एंड उसके बाद मैंने इनको कन्वर्ट किया नॉर्मल विलेजर में, जिसके वजह से इन्होंने अपने ट्रेड का जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा कम कर लिया था। आप यहां पे देख सकते हैं मुझे यहां से एक मेंडिंग की बुक मिल रही है जिसका जो प्राइस है ना वो $30 था भाई। एंड अभी के टाइम पे इसका $14 रह चुके हैं। एंड या भाई मैं एमराल्ड को डॉलर बोलता हूं तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना यार, अपना स्टाइल चलाते ना, क्या दिक्कत आ रही है। बाकी हां अभी टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड मेंडिंग की ना मुझे यहाँ पे कितनी बुक चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। ओके तो अभी के टाइम पे मुझे मेंडिंग की 6 बुक चाहिए, ठीक है। एंड अभी के टाइम पे मेरे पास एक बुक तो पड़ी हुई है, तो मुझे यहाँ पे लिटरली 5 बुक चाहिए। एंड 5 बुक मतलब एक बुक आ रही है $14 में, तो 5 बुक आएंगी 14 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, हाँ $70। तो हमको यहाँ पे कुल टोटल $70 चाहिए यहाँ पे ये मेंडिंग की बुक लेने के लिए। एंड इसके लिए मुझे चाहिए काफी सारे स्टिक्स जो कि मैंने पहले से ही इकट्ठी करके रख रखी है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो भाई यहाँ पे कितने सारे विलेजर्स है यार, मैं यहाँ पे सब कुछ लेके आया था। एंड इसका नाम क्या है भाई साली विलेजर का, फ्लेचर, लिटरली मैं साली जो का नाम भी भूल गया था भाई। बाकी कोई बात नहीं, अभी एक काम करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना। सबसे पहले तो ये जो ट्रैप डोर है ना मैं इनको यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना जॉब को बार बार तोड़ना पड़ेगा ताकि ये मुझे कोई अच्छी बुक दे सके। एंड इसके लिए भाई ये बाहर ना आए, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ भाई, लेट्स गो। अरे यार एक यहाँ पे लगाना है एंड एक यहाँ पे, ये डन हो चुका है। एंड बारिश आ रही है भाई, भाई मेरा वर्ल्ड क्या है यार, यहाँ पे हर बार बारिश आती रहती है भाई, मतलब अनलिमिटेड पानी। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ भी यहाँ पे हो चुके हैं। एंड बारिश में तो अपना वर्ल्ड अलग ही लेवल का दिखता है भाई, लिटरली। बाकी चलो कोई बात नहीं, अब ये क्या करते हैं यहाँ से जितनी भी स्टिक्स है ना वो मैं सारी की सारी लेके आ जाता हूँ। एंड मेंडिंग की 5 बुक चाहिए ना, उसको वहां पे ले लेते हैं, लेट्स गो। मैं सारी की सारी बुक ना अपनी मतलब साथ के साथ एन्चेंटमेंट करते रहेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई ये रही, देखो पहले तो मैं काम करता हूँ यार, ये जितनी भी चीजें हैं ना इन सबको स्टोर करवा देता हूँ। बट मुझे यहाँ पे पोर्शन ऑफ वीकनेस भी चाहिए जो कि मैं यहाँ पे बना ही लेता हूँ भाई, मेरे पास थोड़ा बहुत और बन सकता है। तो सबसे पहले ना इसको बना लेते हैं ताकि हमको बाद में कोई दिक्कत ना आए। गोल्डन एप्पल की भी जरूरत है भाई, सब बहुत कुछ करना है यार हमको।
पानी की बोतलें कहाँ पे थी? ओ भाई साहब, इतनी सारी पानी की बोतलें ली थी क्या मैंने? मैं तो भूल भी गया भाई। ओके इसको भी यहाँ पे भाई, एक साथ ये नीचे कैसे आएंगी? ओके यहाँ से शिफ्ट, भाई मैं भूल गया हूँ गेम को, बट कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेगा, जल्दी बन जाएगा। इसको यहाँ पे लगा देते हैं ऊपर साइड पे, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है ताकि ये पोर्शन ऑफ वीकनेस बन जाए, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे डालना है गन पाउडर, एंड देन मैं यहाँ पे रेड स्टोन डालूंगा ताकि इनका जो ड्यूरेशन है ना वो यहाँ पे थोड़ा बहुत हाई हो जाए, मतलब जो इनका टाइम है ना वो बढ़ जाए। ओ भाई सब कुछ लेके आना पड़ेगा, चलो देखते हैं भाई कितने बनते हैं। ये रहा अपना रेड स्टोन, एंड यहाँ पे गन पाउडर भी, भाई मेरे पास गन पाउडर बहुत अच्छा खासा पड़ा है यार। ओके चलो नीचे साइड पे चलते हैं, अभी तक वो हो गया होगा, चलना चोमू। गन पाउडर को डालने के बाद ना ये स्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बन जाता है भाई। बाकी यहाँ अभी ना ये तीनों के तीनों यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, इसको मैं यहाँ पे नीचे साइड पे स्टोर करवा लेता हूँ, एंड अभी यहाँ पे और भी बन सकते हैं, एक दो तीन, मैं इनको यहाँ पे रख देता हूँ, एंड ये इसको भी डाल देते हैं, इसको भाई साहब नीचे रखो एंड इसको यहाँ पे डालो। भाई साहब बहुत ज्यादा मुश्किल है यार इसको समझना, बाकी मुझे याद है भाई इतना तो याद है। बाकी ये ब्लेज पाउडर जो कि मैं भाई साहब वापस जाके लेके आया था, भाई सच्ची बता रहा हूँ ऐसी जैसे होगी तो उसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। बाकी कोई बात नहीं, आज एन्चेंटमेंट ऐसी तगड़ी करने वाले है ना भाई साहब, सारे के सारे मॉब्स की फाड़ देंगे। ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है तो इनको भी यहाँ पे ले लेते हैं, एंड इसको भी। अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे एक और बना सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं तीन बोतल ले लेता हूँ, कहाँ पे हैं ये देखो, 1 2 3। ओके तीन बोतलें लेते हैं, इनको यहाँ पे जाके लगा देते हैं, एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी रख देता हूँ, एंड दरवाजे को बंद करो भाई। ये मोब भाई बहुत सारे मोब आ रहे हैं यहाँ पे, एक्सपी में काम आएंगे भाई तो ये। ऑलराइट गाइस यार यहाँ पे ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इनको मैं यहाँ पे अपने पास ले लेता हूँ, एंड अभी क्या करते हैं भाई साहब, मैं इस वाली चेस्ट में ना ये सारा का सारा सामान स्टोर करवा देता हूँ। बुक्स भाई सब कुछ जाने दो इधर, ये भी जाने दो, ये भी, ये भी, ये भी भाई सब सब कुछ, ऑलमोस्ट जितना भी भाई फालतू का सामान है ना वो सारा का सारा मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। एमरल्ड तो भाई फालतू का नहीं है, इसको भी यहाँ पे डालो, इसको भी, इसको भी, भाई ऑलमोस्ट सब कुछ सामान मैंने वहाँ पे रख दिया है, बट मेरे पास यहाँ पे स्टिक्स होनी चाहिए एंड एमरल्ड, एंड इसके अलावा ये पोशन पास, इसके अलावा और कुछ भी नहीं भाई। एंड यहाँ से ना सारी की सारी स्टिक्स भी उठा लेते हैं, बिकॉज ऑफ यार हमको एमरल्ड चाहिए ना तो उसके लिए स्टिक्स तो चाहिए रहेंगी, एंड वेट अ सेकंड भाई बहुत सारी स्टिक्स हो चुकी है मेरे पास। चलो अब ये क्या कहते हैं, चले नीचे साइड पे चलते हैं। खाने पीने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं क्या? खाने पीने का सामान मैंने एटलीस्ट यहाँ पे रखा भाई साहब, इतना सारा सामान पड़ा हुआ है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसके लिए यार मुझे यहाँ पे एक स्लॉट खाली करना पड़ेगा। चलो इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ भाई, क्या दिक्कत आ रही है, बाद में आके दोबारा एक चक्कर तो लगना ही है, तो उसमें आके ले जाएंगे। बाकी अभी खाना पकाते हैं यार, खाना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। यार मैं अभी सो नहीं सकता क्या यार, बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। ओके मैं सो सकता हूँ बट ज़ॉम्बीज है अपने आसपास। चलो अभी क्या करते हैं, ज़ॉम्बीज को मार के ना मैं फिर भाई सोने के लिए जाऊंगा, एंड सबसे पहले तो भाई मैं खाना ले लेता हूँ, क्योंकि खाने के बिना भाई मैं तेज भाग नहीं सकता। अगर मैं तेज नहीं भागा तो जो भी को मैं नहीं पेल सकता, उल्टा जो भी मुझे पेल देंगे भाई, मतलब वो सही है। ओके लेट्स गो, यार मेरे पास स्वॉर्ड भी नहीं है भाई, भाई अपनी ऐसी तैसी में जाने तो मैं नहीं जा रहा भाई किसी को मारने, भाई मैं अपना मस्त यहीं पर रहकर चिल करूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, यार सुबह हो चुकी है एंड यहाँ पे बारिश भी रुक चुकी है भाई, एंड वो ही भाई प्यारा डे यार, मतलब मुझे सुबह बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इस वाली गेम के। एंड आपके कहने पे मैंने जितने भी क्लाउड्स है ना उनको भी चेंज कर दिया, आप लोग बोल रहे थे कि रोहित भाई क्लाउड इतने अच्छे नहीं लग रहे, इनको भाई चेंज करो, जो रियल लाइफ वाले होते हैं ना वो लगाओ यहाँ पे, तो मैंने वो ही लगा दिया ठीक है इस वाले सैटर के थ्रू। बाकी यहाँ पे ग्लासेस को मुझे चेंज करना था भाई, एक मिनट गाइस, पता नहीं क्यों इंप्रूव्ड ग्लास वाला ऑप्शन जो है ना वो काम नहीं कर रहा भाई। अगर मैं इसको ऑप्टिफाइन में यूज करता ना तो ये काफी इजीली काम कर जाता, बट इरिस में ये काम नहीं कर रहा है यार। और ऑप्टिफाइन में इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ उसका जो वर्जन है ना वो अलग है भाई, मेरी सारी की सारी लूट चली गई थी। बाकी अब कोई बात नहीं, अब ये क्या करता है यहाँ पे आते हैं वापस से, अपने जो डॉलर है ना उनको यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं भाई। आई डोंट नो हमको यहाँ पे कितने डॉलर मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई सब इसकी ऐसी की तैसी, इसको साले को ज़ॉम्बी विलेजर मारो बे, मार इसको, उसका यार उसका एम मेरी तरफ है, आई डोंट नो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भाई। ओ भाई पेला उसको बहुत गंदे तरीके से, आई थी ये बन गया ना, आ जाओ ऊपर ये। अभी एक काम करना मुझे ना इसको यहाँ पे एक ये गिरना भाई नीचे बैठ, एंड इसको यहाँ पे कैसे कैसे गिरूं मैं इसको यहाँ पे, ऐसे कैसे गिरूं इसको, गिरते कैसे है अबे यार उसको गिरते कैसे है, मैंने तो उसको ड्रॉप कर दिया कऊ दुबा के। वेट ओके अच्छे से भाई, मैंने इससे ये बटन ट्राई तो किया था बट कुछ हुआ तो था नहीं उस टाइम पे। बाकी कोई बात नहीं, अब ये क्या करते हैं इसको यहाँ पे ये खिला देता है भाई, अभी ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। अब आई डोंट नो कि ये अपनी ट्रेड को कैसे करने वाला है, एंड इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हराम खोर कुत्ते बंदे अपनी ट्रेड चेंज कर लेना, क्यों इसी वाली ट्रेड को लेकर बैठा रहता है भाई। मैंने इसके सामने लेक्टर लगा रखा है और ये लाइब्रेरी बन ही नहीं रहा भाई, उल्टा मेरा खून पी रहा भाई यहाँ पे खड़े होके।
बाकी आई डोंट नो इसको कितना टाइम लगेगा। एंड मेरा एक पोर्शन ऑफ वीकनेस भाई अंदर जा चुका है, मुझे उसको फोड़ने के चक्कर में ना क्यों प्रेस कर दिया, वो साला अंदर ही बढ़ गया भाई। सही है भाई, लूट लो भाई, लूट रहा मुझे। बाकी अभी मैं इनसे लूटूंगा भाई बहुत गंदे तरीके से, साला गोल्ड कॉइन तो भाई भर भर के लेने वाला हूँ मैं। इतने काम करो यहाँ पे और पेड़ तोड़ लू ना, क्योंकि मुझे चल जगह भी नहीं है मेरे पास। रहन दो भाई, रहन दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, अंदर ही चलते हैं, वहीं पे देखते हैं भाई क्या कुछ सीन बनेगा वहाँ पे। अरे यार बन जाना भाई विलेजर, बन जा नॉर्मल। चोमू क्या हो रहा है मेरे सामने, नहीं बनेगा क्या, शर्म आ रही है क्या? ये ले मैं जा रहा हूँ इधर से भाई, तू बन जा बस, अभी थोड़ी देर बाद आते हैं भाई। उसको मतलब शर्म आ रही है यार, मतलब समझा करो यार, थोड़ा मतलब फीलिंग्स होती है ना, तो या उसको शर्म आ रही है। बाकी अभी क्या करते हैं, अपना यहाँ से खाना ले लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे चलते हैं भाई, लेट्स गो। ओके सो फाइनली गाइस यार ये यहाँ पे नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट हो चुका है, एंड अभी के टाइम पे ये हमको 26 स्टिक के बदले $1 दे रहे भाई, जो कि मतलब ज्यादा तो सही नहीं है, बट हाँ जितना भी है भाई सही है। सब एक कर लेते हैं जल्दी से, आप इससे जितने डॉलर हो सके ना उतने डॉलर ले लेते हो भाई। यहाँ पे और स्टिक्स रखनी पड़ेंगी, लेट्स गो। 12 स्टिक्स अपने हाथ में उठा के हूँ मैं। अरे यार इसने अपनी ट्रेड ही बंद कर ली यार, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। यहाँ पे क्या है, फ्लिंट, फ्लिंट तो भाई साहब है ही नहीं है मेरे पास। ये क्या दे रहा है, इसको भी भाई साहब कटवा देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, इसको भी भाई पिल तू भाई, मुझे यार चाहिए यहाँ पे भाई बहुत सारे, वो चाहिए मुझे यहाँ पे। इसके लिए भाई मुझे इनको यहाँ पे नीचे भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको भी यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर बना देते हैं, एंड देन मैं उसको यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा, जिससे कि वो भी अपनी जो ट्रेड है ना उसको थोड़ा बहुत लो कर लेगा, एंड देन हमारे पास काफी अच्छे खासे एमरल्ड हो जाएंगे भाई। फिर अगले दिन उनसे मैं और ट्रेड कर सकता हूँ। एंड वेट, मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है भाई, बच रहे हो तुम लोग, एक मिनट मैं भाई साहब स्वॉर्ड लेके आ जाता हूँ। इनकी हिम्मत कैसे हो रही है भाई, मेरे यहाँ पे आ रहे हैं भाई ये, एक मिनट आना तो जरा। ए अब आओ भाई, ये ले भाई साहब, एक तू भी आ जा भाई, साले ये एक एक हिट तो दे ही दे रहा है ये ले भाई। ओके बन गया होगा ना ये, कहाँ पे गया, कौन सा था, ओके ये वाला था ना, आ जा भाई ऊपर आ जा। अभी एक काम कर, तुझे मैं दे देता हूँ पोशन ऑफ वीकनेस, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे, एंड अभी इसको खिलाना पड़ेगा एक गोल्डन एप्पल भाई साहब, पाले ये सारे के सारे गोल्डन एप्पल तो भाई यही खा जाएंगे। बाकी मेंडिंग वाली बुक लेनी है यार मेरे पास, यार यहाँ पे 70 भाई साहब, कहाँ से लेके आऊंगा मैं 70। बाकी हाँ इतने भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत सारे हमको एमरल्ड चाहिए भाई, लिटरली बहुत सारे। गाइस अगला दिन हो चुका है, बट ये अभी तक नॉर्मल विलेजर बना ही नहीं है भाई, मैं इसके सामने ही खड़ा हूँ, कभी ये तो नहीं है कि ये मेरे सामने बनता नहीं है भाई नॉर्मल विलेजर। बाकी अभी क्या करते हैं, इसके पास चल के देखते हैं, इसकी ट्रेड अनलॉक हो चुकी है क्योंकि अगला दिन हो चुका है ना। सो राइट, इसकी जो ट्रेड है वो यहाँ पे अनलॉक हो चुकी है, एंड आई थिंक वो भी वहाँ पे बन चुका है भाई। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, चलो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, एंड उसके बाद उसके पास भी जाके देखते हैं भाई, लेट्स गो। अरे यार इसने भी अपनी ट्रेड को बंद कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अभी अगला दिन कर तो भाई मैं जल्दी जल्दी, उसके बाद यहाँ पे अपनी ट्रेड को अनलॉक करेंगे। यार अभी तक $55 ही हो पाए हैं भाई, स्टिक्स भी मेरे पास खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। चलो कोई बात नहीं, अपने पास वुड फार्म है तो सही यार, इससे काफी अच्छी खासी स्टिक्स मिल जाएंगी मुझे, ऑलमोस्ट एक चेस्ट तो भरी जाएगी। बाकी अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक चेस्ट और लगा देता हूँ, जिसमें ना मैं अपनी सारी की सारी बुक्स रखने वाला हूँ एन्चेंटमेंट की, ठीक है, वहां से ला के मैं इसमें रखने वाला हूँ, एंड फिर एक एक करके आराम से बैठ के लगाएंगे भाई, क्या दिक्कत आ रही है। इधर चलते सबसे पहले तो स्टिक्स उठा लेते हैं भाई, स्टिक्स तो है ही नहीं है, स्टिक्स तो है ही नहीं है मेरे पास भाई, क्या होगा मेरा, मैं तो ये सोच रहा हूँ, चलो मेरी ऐसी तैसी होगी और कुछ नहीं होगा भाई, लेट्स गो। अब क्या कहते हैं, चेस्ट बना लेते हैं भाई फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके सो फाइनली गाइस यार मैंने यहाँ से बहुत सारी वुड कलेक्ट कर ली है, मतलब यहाँ पे जितने भी ट्री लगे हुए थे ना मैंने वो सारे के सारे तोड़ दिया भाई। बाकी अभी क्या करते हैं, यहाँ से सब कुछ कलेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे ना वापस से ट्री लगाते हैं, एंड जल्दी चलते हैं देखते हैं उनकी कितनी स्टिक्स बनने वाली है। 16 ट्री हो चुके हैं भाई मेरे पास, जो कि सही है, मतलब यहाँ पे मुझे बहुत सारे ट्री मिलने वाले हैं यार, ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं, ऑल डन गाइस यार, यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, एंड मेरे पास कितने वुड हो चुके हैं, ज्यादा तो नहीं बट हाँ सही हो चुकी है। मुझे यहाँ पे ना तीन चार बार तो मतलब सारी की सारी वुड तोड़नी पड़ेंगी यार, उनके ट्रेड को रीसेट करने के लिए ना मुझे यहाँ पे सोना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन ना उनकी जो ट्रेड है ना वो अपने आप ही रीसेट हो जाती है, एंड उसके बाद वो दोबारा से हमारे साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ से वो बनाए क्या, चलो बना ही लेते हैं भाई स्टिक्स, क्या जा रहा है अपना। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ सुबह हो चुकी है, एंड अब क्या करते हैं भाई जल्दी से चलते हैं भाई सीधा विलेजर के पास, एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत वो पड़ी हुई है, एक मिनट यहाँ पे मैं फालतू का सामान में कौन सा ले रहा हूँ भाई, रोटन फ्लैश की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेट्स गो। क्या करते हैं चले भागते हैं, चलते हैं सीधा उस विलेजर के पास, एंड सीधा अपने डॉलर को ट्रेड करते हैं भाई, लेट्स गो। यहाँ पे इसको अनलॉक करते हैं भाई, चले चलते हैं यार, देखो टाइम बहुत ज्यादा कम है मेरे पास, बहुत ज्यादा कम है टाइम, मैं क्या ही बताऊँ यार टाइम के बारे में, तो
बाकी हाँ अभी भाई सब ये अपनी ट्रेड को ना अनलॉक करता जा रहा है भाई, जैसे जैसे मैं इससे ट्रेड करता जा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स गो। भी क्या करते हैं जल्दी से इसको यहाँ पे लगा देते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके ओके, अभी इसने अपने ट्रेड को बंद कर दिया। एंड तू कर ले भाई ट्रेड। यार ये कर ही नहीं भाई, तू क्यों नहीं कर रहा यार, तेरा क्या हो रहा है यहाँ पे? हो चुके हैं ओके फाइनली, मेरे पास यहाँ पे $70 तो हो चुके हैं। एंड $70 में ये आई थिंक सो आ जाएगा। लेट्स गो, सबसे पहले तो हम थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। पेट पूजा भी भाई बहुत ज्यादा जरूरी है यार, अगर हमारे पास हेल्थ ही नहीं रहेगी मतलब स्टेमिना ही नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे क्या ही करेंगे। ओके, मेंडिंग की यहाँ पे बुक ले लेते हैं। इसके लिए हमको एक बुक भी चाहिए भाई 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 भाई, हमको कितनी वो यहाँ पे फोग हो रखी है ना, फोग भी आ रही है भाई, नाइस, ये काफी ज्यादा अच्छी है। एंड अभी हमको बुक चाहिए, बुक के लिए हमको चाहिए सुगर, सुगर से फिर हम बुक सेल बनाएंगे या मतलब सीधा बुक ही बन जाएगी मेरे ख्याल से। नहीं नहीं सबसे पहले हमको पेपर बनाना पड़ेगा एंड उससे हम अपनी बुक बना सकते हैं यार, पता नहीं उसकी रेसिपी भी क्या होगी, बाद में चल के देख लेंगे। बाकी नीचे साइड पे बहुत सारे सुगर तो मैंने लगा रखे थे। अबे भाई साहब अभी तू लड़ाई के मूड में है क्या, चल निकल। ग्रोथ तो इसकी काफी अच्छी खासी हो रही है बट मैं इसकी खेती बाड़ी करूंगा अपने घर के पास, इसको मैं लगाने वाला हूँ। बाकी अभी क्या बताए, जितने यहाँ से मिल रहे हैं ना भाई उतने यहाँ से ले लेते हैं। एंड अभी इनको यहाँ पे मैं लगे रहने देता हूँ ताकि भाई इनकी भी ग्रोथ हो जाए एंड मुझे यहाँ से और भी ज्यादा शुगर केन मिल सके। लेट्स को इसको यहाँ से उठाते हैं, इसको भी यहाँ से उठा लेते हैं। लेट्स को उधर साइड पे और भी पड़े थे भाई, उसको भी उठा लेते हैं, इसको भी यहाँ पे लेते हैं। ये लास्ट था मेरे ख्याल में। ओके ऑल डन हो गया। अब ये क्या करते हैं, कितने मिले मुझे यहाँ पे? ओके पूरा एक स्टैक मिल चुका है भाई, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड अब ये क्या करते हैं जल्दी से यहाँ पे लगा देते हैं जोन जोन से अभी बचे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इस साइड पे। ओके अब ये क्या करते हैं चले चलते ऊपर साइड पे। एंड अगर आपको ना बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है ना तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी यार, मतलब मम्मा जी सिलाई कर रहे हैं, दैट्स वाई। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, सिलाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी वीडियो भी बहुत ज्यादा जरूरी है और टाइम भाई कभी किसी का साथ नहीं देता, तो दैट्स वाई भाई टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है भाई। मैं फालतू का ज्ञान पे ले रहा हूँ भाई देव। बाकी अभी क्या कहते हैं चले चलते हैं यार, अपनी जितनी भी प्रोग्रेस बचो है ना उस सारे को कंप्लीट कर लेते हैं भाई, क्योंकि हमको अंडरग्राउंड को भी क्लियर करना है। अभी तो नहीं बता, नेक्स्ट वाले एपिसोड में। लेट्स गो, यहाँ पे सबसे पहले तो इसके पेपर बनाने पड़ेंगे। एंड पेपर कैसे बनाते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे। ओके अभी क्या कहते हैं इसके यहाँ पे पेपर बना लेते हैं, कितने पेपर बनेंगे? ओके अच्छे खासे पेपर बन चुके हैं। एंड अभी इससे बुक बनेगी ऐसे करके। ओ इससे बुक कैसे बनेगी? बुक की रेसिपी क्या है बाय द वे? कभी मैं फंस तो नहीं गया ना बुक बनाने के चक्कर में? ओ इसके लिए लेदर भी तो चाहिए ना, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, लेदर कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पास लेदर नहीं है क्या? 5 लेदर बचा हुआ है बट इससे ज्यादा लेदर चाहिए मुझे। ओके टाइम आ चुका है इन काओ को मारने का भाई, क्योंकि इनसे हमको यहाँ पे काफी अच्छा खासा लेदर मिल जाएगा। ये ले भाई, तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल। 17 लेदर हो चुके हैं एंड इतना मेरे ख्याल में इनफ रहेगा मेरे लिए। लेट्स गो, अभी क्या कहते हैं जरे चलते हैं बुक्स बना लेते हैं एंड उसके बाद भाई सब उससे ट्रेड करते हैं, बट इतना इनफ नहीं रहेगा यार हमको बहुत सारा भाई, कसम से बता रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा चाहिए भाई, बहुत ही ज्यादा। 17 बुक यहाँ पे बन चुकी है एंड अभी क्या कहते हैं जले जाके उससे ट्रेड कर लेते हैं, कभी पता लगे उसने अपनी ट्रेड ही बंद कर ली। एंड उसके बाद भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, कितनी चाहिए थी हमको? 5 चाहिए थी ना। लेट्स गो, मतलब हाँ भाई कमी आएंगे क्योंकि मेरे पास भाई डॉलर भी तो इतने ही पड़े हुए हैं। लेट्स गो भाई सब ट्रेड कर, भाई कितने आएंगे, कितने आए हैं? 3 आ पाए हैं भाई। ओए ओ नहीं मैंने बुक्स, अबे यार मैंने बुक वहां पे दे दी अपनी, बताओ यार हम वहां से बुक लेके आनी पड़ेगी और वहां पे ज़ॉम्बी बैठा है भाई। सीट यार मैं भी उल्टे सीधे काम करता रहता हूँ भाई। मैंने यहाँ पे सारा का सारा फालतू का सामान स्टोर करवा दिया है एंड अब ये क्या कहते हैं मुझे यहाँ से चाहिए पिकैक्स, क्योंकि मेरी जो बुक है ना वो विलेजर के पास जा चुकी है एंड मुझे उसको कैसे भी करके वापस लेके आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और बुक है नहीं भाई। लेट्स गो भाई जले चलते हैं, बट अगर मैं उसकी जॉब तोड़ूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं यार जॉब तोड़ के मैं रिस्क नहीं ले सकता। कौन सा था वो, यही वाला है ना? ये तो नहीं है यार, यहाँ से तो ये बाहर आ जाएगा। ओके मैं ज़ॉम्बी को उस साइड पे लेके चला गया हूँ एंड अब ये क्या कहता है जल्दी से वहाँ पे जाना है। अबे यार हट ना, इसको यहाँ पे तोड़ते हैं एंड नीचे चलते हैं। अभी नीचे चलना, ये उठा लिया मैंने, अभी एक का ऊपर चलते हैं एंड अबे नहीं भाई तू 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 बाहर क्यों आया भाई, तू पागल है? हाँ यार अभी इसको यहाँ पे अंदर डालना पड़ेगा। सीट मैन अभी उधर भी नहीं जाना चाहिए भाई, यहाँ पे इसको बंद करो यार, दिमाग खराब हो रहा है भाई मेरा। पहले तो एक काम कर भाई, तू सारी की सारी ट्रेड कर मेरे साथ, उसके बाद ही मैं तुझे जाने दूंगा। इधर आ तू भाई साहब ट्रेड कर। ओके आई थिंक यहाँ पे सारी की सारी हो चुकी है एंड अभी भी ये दे ही रहा है क्या, मेंडिंग की दे रहा है। एंड यहाँ पे $14 में दे रहा था बट अभी के टाइम पे $13 में दे रहा है भाई। ओके मतलब ये अपनी ट्रेड और सस्ती करता जा रहा है। एंड अभी इसको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा एंड उसके लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला एक ब्लॉक मुझे दो, इस वाले ब्लॉक को मैं पकड़ूंगा अपने इस वाले हाथ में, ठीक है। एंड अंदर जाके इसको यहाँ पे नीचे करो, यहाँ से इसको तोड़ो एंड उसका रास्ता यहाँ पे बंद करो, ठीक है। एंड अब ये क्या करता हूँ मैं ऊपर साइड पे चलता हूँ एंड इस वाले
विलेजर को, ठीक है नीचे साइड पे लेके चलता हूँ। चल भाई नीचे चल भाई, लिटरली बता रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ। साले का इसका लग भी गया था, इसने अपनी ट्रेड महंगी कर ली, 18 में आप ये दे रहा है, बताओ भाई। बाकी हाँ अभी मुझे इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी क्योंकि यार मैंने यहाँ पे सारी की सारी बुक्स को ट्रेड कर लिया था। एंड अभी एक यहाँ पे लगाना है एंड एक मुझे यार उस साइड पे भी लगाना था, बट एक पत्थर मेरा गया तो गया कहाँ पे, एक ब्लॉक और था ना। अबे यार एक ब्लॉक और था, वो कहाँ से लेके आऊँ मैं, चलो उसको बाद में देख लेंगे। एंड अभी क्या करते हैं यहाँ पे इससे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। इसने अपनी ट्रेड को मतलब महंगा नहीं किया है जो कि काफी अच्छी बात है हमारे लिए लिटरली भाई। अभी क्या करते हैं इसको यहाँ पे रखते हैं। ओके सो गाइस सर इसने अपनी ट्रेड को बंद कर दिया है। एंड अभी क्या करते हैं मैं दूसरे वाले बंदे के पास चलता हूँ इसके पास। गाइस सर अभी का यार ये तो अपनी ट्रेड को अनलॉक कर ही नहीं रहा, पता नहीं क्या कीड़ा काट रहा है इसको, कर लेना यार कुछ। चलो गाइस सर अभी क्या करता हूँ भाई, मेरे जो डॉलर है ना उनको यहाँ पे ट्रेड करके ना फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और नॉर्मली भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और स्पेस मेरे फोन का बेफालतू में भरने वाला है भाई। मतलब क्या भाई बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है यार, क्या करूँ यार, माइनक्राफ्ट में बस एक यही दिक्कत होती है, टाइम बहुत ज्यादा लेती है भाई ये गेम। बाकी गुड नाइट गाइस यार, अभी सुबह उठ के देखते हैं उनसे ट्रेड करते हैं। फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे काफी अच्छे खासे डॉलर ट्रेड कर लिया है। लिटरली बता रहा हूँ भाई इससे यहाँ पे ट्रेड करने में इतनी ज्यादा दिक्कत आई ना, मैं क्या बताऊँ भाई सब, तीन तीन चार चार रातें बीत जा रही थी और ये अपनी ट्रेड को अनलॉक ही नहीं कर रहा था भाई। फाइनली मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज करूंगा एंड इतना मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज करता ना ये अपने ट्रेड को बंद कर लेता, बट अभी के टाइम पे इसकी सारी की सारी ट्रेड जो है वो अनलॉक है। बट मुझे यहाँ पे अभी कुछ नहीं चाहिए भाई, ये देखो भाई यहाँ पे ये और भी काफी सारी चीजें दे रहा है भाई, इसके बदले में हमको यहाँ पे वो दे रहा है, ये क्या है ट्रिपिंग हुक, इसके एक के बदले में हमको यहाँ पे एक एमरल्ड मिल रहा है। आई थिंक इसको बनाना इजी होगा, बट अब ये काम करते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी ना ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब यहाँ से इनसे इंचेंटेड बुक को लेना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। बट उसके लिए हमको यहाँ पे एप्पल उपल जो भी चीजें हमको चाहिए ना वो मैं सारी की सारी उठाने वाला हूँ। इसको उठाऊ क्या, चलो इसको ले ही लिया मैंने, अभी इसको यहाँ पे रख लेते हैं एंड यहाँ से सारा का सारा सामान उठाते हैं भाई। चलो गाइस पहले तो देखते हैं कि हमको कौन सी बुक मिलने वाली है एंड ये कौन सी बुक दे रहा है भाई, लॉयल्टी 3, ये इसकी मुझे जरूरत नहीं है भाई, नहीं नहीं इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। सब एक अगर इसको यहाँ पे तोड़ता हूँ, इसको यहाँ पे दोबारा से कलेक्ट कर लेता हूँ, इसके लिए मुझे यहाँ पे नीचे साइड पे एक स्लॉट बनाना पड़ेगा भाई। लेट्स गो इसको यहाँ पे दोबारा से लगा देते हैं। एंड अभी ये कौन सी बुक दे रहा, बुक तो दे ही नहीं रहा भाई। ओके सो फाइनली गाइस यार मुझे यहाँ पे फ्लेम की बुक मिल चुकी है जिसको कि हम अपनी बो में यूज करने वाले हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। अरे यार मेरा दिमाग खराब है भाई, मैंने इसको क्यों ऐसे बाय कर लिया यार, 13 डॉलर मेरे फ्री के चले गए यार। हाँ तो भाई अभी बस अपनी ट्रेड चेंज कर ले यार, तू करेगा नहीं सेट मैन, अभी अपनी ट्रेड भी चेंज नहीं करने वाला यार वो, ठीक है इसने नहीं यार नहीं करेगा ये। फाइनली गाइस यार मुझे यहाँ पे पंच 2 की बुक भी मिल चुकी है एंड अब ये काम करता हूँ मैं, अभी वो वाली गलती नहीं करने वाला, इसको यहाँ पे भाई सब पोशन फेंक के मारते हैं, ठीक है भाई। सच्ची बता रहा है मतलब मुझसे बड़ा पागल कोई है ही नहीं है भाई, मतलब पोशन फेंक दिया मैंने उसको बिना कुछ मतलब कि यार क्या करूँ भाई, मैं दिमाग खराब हो गया भाई इसको खेलते खेलते। ओके सो फाइनली गाइस यार अभी के टाइम पे ये विलेजर बन चुका है ज़ॉम्बी विलेजर एंड अब मैं इस पे ये वाला पोशन मारने वाला हूँ भाई। लिटरली मेरा दिमाग खराब हो गया भाई इस वाली गेम को खेलते खेलते, काफी टाइम से मैं इस वाली गेम को खेल रहा हूँ बट भाई कुछ बन ही नहीं रहा यार, यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए माइनक्राफ्ट की जो गेम प्ले वीडियो है ना वो बीच में आना बंद हो गई थी क्योंकि टाइम भाई बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग गेम है ये वाली। बट कोई बात नहीं अभी संडे को बनाया करेंगे इसकी वीडियो, ठीक है, क्योंकि संडे को मेरी छुट्टी होती है भाई। अब भाई इसको यहाँ पे ठीक होने में भाई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इतना मैं करूँ तो करूँ क्या, अगली विलेजर की तरफ चलते हैं, ठीक है, इतना ये ठीक होता है, ठीक है। अभी देखता है ये क्या बंदा दे रहा है, क्या दे रहा है वैसे अभी टाइम पे 4-3। अब ये आई थिंक सो अपनी ट्रेड को चेंज नहीं करने वाला जहाँ तक मुझे लगता है, या फिर चेंज नहीं करेगा भाई, ये पहले से ही चेंज कर रखी है इसने। चलो इसको देख लेते हैं।
फाइनली गाइस यार इस वाले विलेजर से हमको मिल चुके हैं शार्पनेस 5 एंड इसको मैं लेने वाला हूँ। एंड ये कितने एमराल्ड की दे रहे हैं भाई, 54 एमराल्ड की दे रहा है ये वाली बुक। ओ भाई 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 देख दे, एक काम करियो भाई सब 10 के आसपास इसका प्राइस कर दियो। और ये भाई मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इसको एक काम करता हूँ, नीचे साइड पे चल तू साले। और ये हुआ नहीं है ठीक अभी तक। अबे यार तुझसे ठीक यही है, ये देखो अभी कटेगा, ये कहाँ पे गया, जो मैं मार उसको, मैं जा रहा हूँ तेरी नजर से दूर, पेल उसको। ओके फाइनली गाइस यार इसने यहाँ पे इसको ज़ॉम्बी विलेजर बना दिया है। एंड अभी ओ इसके हाथ में हथियार भी आ चुका है भाई, ये सही था। ओके ये ले तो एप्पल का यार ठीक हुआ भाई साहब, दोनों में से कोई नहीं ठीक हुआ। अभी एक का करता है इसके पास चलते हैं भाई, इसको देखते भाई फायर प्रोटेक्शन 3। गाइस 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 ये तो मेरे साथ स्कैम हो चुका है भाई, भाई इसने अपनी ट्रेड चेंज कर ली यार, सिट मैन ये है क्या वो भाई। अबे यार ये भी अपने ट्रेड को चेंज कर लेगा, इतना ये ठीक हो रहा है। अबे यार सिट मैन कहाँ पे है, ये ही है ना वो, ये नहीं है। ओके सो फाइनली गाइस सर मुझे यहाँ पे एक ऐसी बुक मिल चुकी है जो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे लगने वाली है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 भाई सब 6 बुक मुझे इसकी बाय करनी है। एंड भाई मतलब बहुत गंदी हालत होने वाली है, लेट्स गो 1 2 3 4 4 आगे। ओके 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 5 एंड 1 6 फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे अनब्रेकिंग 3 की यहाँ पे 6 बुक्स को बाय कर लिया। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 6 ही है ना, 1 2 3 4 ठीक है 5 एंड 1 ये 6 ठीक है, इसमें तो यूज नहीं आने वाला। ओके ठीक है भाई यहाँ पे 6 बुक्स हो चुके हैं। एंड अब ये क्या करते हैं इससे चलते हैं बाहर। एंड इसने बंदे ने भी अपनी जो ट्रेड है ना वो चेंज कर लिया, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एफिशिएंसी 2 दे रहे हैं ये, मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी 5 चाहिए यार सिट मैन। चलो कोई बात नहीं, अब ये क्या करते हैं जल्दी से यहाँ पे देखते हैं भाई क्या कुछ आप ये ट्रेड करता है। इतना गाइस ना मैं इन तीनों को भी यहाँ पे ना नीचे घेर दिया मैंने, ये वाला बंदा बन गया विलेजर, इसको यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। अभी ये बचा हुआ है जल्दी से इसको भी बनावे। यहाँ पे 2 विलेजर और हैं जो कि ज़ॉम्बी विलेजर बन जाएंगे। एंड उसके बाद मैं काफी इजीली यहाँ से ट्रेडिंग कर सकता हूँ भाई, क्यों कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद भी उनको जॉब मिलनी है और वो मुझे सस्ते प्राइस में देने वाले हैं सब कुछ, तो ये सबसे अच्छी बात है भाई। फेल दिया तूने उसको। फाइनली गाइस सर मैंने यहाँ पे 1 2 3 इन तीनों विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट कर दिया है। एंड अभी एक काम करते हैं जल्दी से इनको नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट करते हैं। एंड जो ये एक बोतल है ना, अगर मैं इनको इसके बीच में फेंकूँ ना तो ये दोनों पे असर करने वाली है, तो एक मैं इसको खिला देता हूँ एंड एक मैं खिला देता हूँ। अबे यार इसके बीच में फेंकनी थी भाई, सीट मैन मेरी यहाँ पे एक फालतू चली गई। क्या तो ये खाएगा, नहीं खाएगा भाई अभी। ओके ये ले भाई, अभी मैं वहाँ पे घेर भी नहीं सकता यहाँ पे, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक भाई मैं इनके ऊपर पोषण नहीं घेर सकता जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखो मैं घेरने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये नहीं घेर रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, अब ये क्या करते हैं जल्दी से साले बंदे से ट्रेडिंग कर लेते हैं। क्या दे रहा है, अबे यार कोई मस्त सी बुक दे देना। ओके सो गाइस यार हमको यहाँ पे लूटिंग 3 की बुक भी मिल चुकी है, तो जल्दी से इसको भी यहाँ पे बाय कर लेते हैं, एक ही चाहिए हमको ज्यादा नहीं। तो ये भी अभी डन हो चुका है। एंड अभी तू आ गया क्या, ओके अभी इससे देखते हैं भाई ये हमको कौन सी बुक देने वाला है। लेट्स गो, कोई बात अच्छी सी बुक दे दियो देखो, और कोई तो दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक काम करते हैं, कहाँ पे गया ये, ओके नीचे साइड पे है ना, मेंडिंग। ओके गाइस सर अभी के टाइम पे मुझे यहाँ पे टोर्नस 3 की बुक भी मिल चुकी है। एंड एक काम करता है जल्दी से यहाँ पे इसको बाय कर लेते हैं। एंड इसका प्राइस यहाँ पे भाई दिखाई नहीं रहा यार, ओ हेलो यहाँ पे 17 एमलेट, यहाँ पे 16 दिखा रखे है भाई, तो लूट रहा है। एक काम करते हैं इसको भाई, यार ये तो बहुत ज्यादा महंगी दे रहा भाई, कितने की जाएगी बाकी, ये एक ही बुक की है क्या, ये 16 की है क्या, कुछ सीन है। ओ ये एक ही है भाई, मतलब सही है यार, मैं तो डर गया था, मैं क्या भाई साहब यहाँ पे दिखाई नहीं रखा कुछ। बाकी आप ये क्या कहते हैं बैक करते हैं, तू भी अभी दोबारा नहीं देने वाला ना। ओके यहाँ पे कौन सा ज़ॉम्बी 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 ज़ॉम्बी, अच्छा ये दोनों ही ज़ॉम्बी विलेजर है क्या। एक काम कर तो इसको मैं यहाँ पे घेर तो, अभी घेर ना कैसे घेरेगा ये साला, अभी घेर नहीं रहा बताओ यार। ओके अभी पता लगा मुझे ये क्यों नहीं घेर रहा है, मेरी हेल्थ यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। हेल्थ को कंप्लीट करते हैं, इसको यहाँ पे घेरते हैं। एंड इसको भी यहाँ पे अभी तो घेर ले, अच्छा पी रहा है। ओके मैं खाना नहीं खा सकता मैं,
यार एक बार में ना एक ही हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसी को यहाँ पे कर देते हैं एंड इसको यहाँ पे मतलब लास्ट ही बचा है ये। सही है भाई, ओके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ पे मुझे और कितनी चाहिए एन्चेंटमेंट? अरे यार अभी तो मुझे यहाँ पे 7 बुक्स और चाहिए भाई, एंड मुझे यहाँ पे एक दो दो ही बुक मिल पाएंगी। और विलेजर्स को मुझे लेके आना पड़ेगा, मतलब इस साइड पे मुझे ना सेम यही वाली सीन बनाना पड़ेगा। बट इसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में करने वाला हूँ, इस साल एपिसोड में नहीं हो पाएगा भाई। ऑलरेडी यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ये हुआ सेट, इसको यार टाइम लगेगा। कितना टाइम लगने वाला है? 28-30 सेकंड और लगेंगे। चलो कोई बात नहीं, इसको हो जाने दो। ओके सो गाइस यार मुझे यहाँ पे फेदर फॉलिंग 3 भी मिल चुकी है। अभी क्या कहते हैं जल्दी से इसको यहाँ पे बाय कर लेते हैं। बट वेट अ सेकंड यार, ये तो यहाँ पे $17 के एंड मेरे पास तो $16 है। व्हाट इज दिस यार, अभी क्या है यार? मुझे काम करना पड़ेगा, चले जाके वहां पे मैं स्टिक्स लेके आ जाता हूँ। एंड हाँ तुम्हारी तो ऐसी तैसी यहीं पे होगी, साले गोल्ड का आर्मर पहन रखा है, तुम मुझसे भी ज्यादा अमीर बन रहे क्या? अरे यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्टिक्स मैंने रख कहाँ पे दी है भाई। बाकी यहाँ पे क्या कहते हैं जितनी हो सके तो उतनी यहाँ पे बना लेते हैं। बाहर चलते हैं भाई, जले चलते हैं, कभी पता लगे भाई सब वो डिस्पोन कर दे यार अपने उसकी ट्रेड को। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और वैसे भी यार ऐसे ऐसे मौके ना बहुत कम मिलते हैं कि हाँ हमको काफ़ी रेयर बुक मिली है और हम उसको ले ही ना पाए। कहाँ पे भाई, आ जा भाई, अब तो तू कर ले ट्रेड। ओके चलो भाई, चलो चलो चलो, इतने काफ़ी है। कौन सा था? तू ही था ना भाई, फैदर फॉलिंग। भाई 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 दे दे यार, दे दे भाई, बहुत ज़्यादा जरूरत है इसके। बाकी आपको एक बात बताऊँ ना, इसने भाई सा सच्ची बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ना इसका जो रेट था ना वो और भी ज़्यादा कम होता भाई, कम डॉलर को होता। बट मैंने इसको गलती से मार दिया था जिसकी वजह से भाई साहब इसने अपना प्राइस जो है ना वो हाई कर लिए। इसको भाई साहब फेंक देता हूँ मैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस, यार सुबह हो चुकी है एंड बारिश भाई मेरे वर्ल्ड का भाई सब बहुत ही नॉर्मल बात है यार बारिश का ना। तो अभी क्या कहते हैं चले यहाँ पे चलते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ सीन बनता है भाई। क्या मैं इसको यार इसको मैं फेंक ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो एक ही बात समझ नहीं आ रही यार, ये फेंक फेंक अभी फेंक ना, मैं क्यों पी रहा हूँ इसको? फेंक दे साले, तेरी हड्डी तोड़ दूंगा मैं तेरी। फेंक 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 फेंक, कैसे फेंकते हैं यार? अरे मैं माउस का राइट बटन क्लिक कर तो रहा हूँ बट ये फेंक ही नहीं रहा इसको। खुद पी के देखो क्या, पता नहीं यार ये काम करेगा खुद पी के या नहीं, बट मुझे नहीं लगता यार। क्या चल रहा है ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ओके 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 ओके, दूसरी वाली बोतल काम कर गई, लेट्स गो। यार भाई दिमाग खराब हो रहा है यार सच में। चलो चल तो भाई, मैं तो यार यहाँ से निकल रहा हूँ। उनको देख के मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। बाकी यहाँ गाइस यार अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया ना तो जल्दी जाके लाइक कर देना प्लीज़ यार, ज़रूर से लाइक कर देना। यहाँ पे कौन कौन सी बुक है? ये सारी की सारी मेंडिंग की है, ठीक है, एंड अनब्रेकिंग की कहाँ से स्टार्ट है, ये सारी की सारी अनब्रेकिंग की है। तो मैं इनको ऊपर साइड पर रख देता हूँ। एंड अभी के टाइम पे यहाँ पे फ्लेम की ये रही, ठीक है, लूटिंग 3 की ये रही, और ये फैदर फॉलिंग की है, ठीक है, और ये थोर की है, थोड़ना सॉरी। लेट्स गो भाई, क्या ही करे यार, अभी उसका वेट करना पड़ेगा, उससे पहले मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और वो लास्ट बंदा है जो कि हमको काफ़ी अच्छी बुक दे सकता है। एंड अभी मुझे चाहिए कौन सी, मैं एक बार वेट, मुझे यहाँ पे अभी कौन सी मिली थी? फैदर फॉलिंग मिल चुकी है ना, तो कुल मिलाकर थोर वाली भी मिल चुकी। ओके तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यार देखो प्रोटेक्शन 4 मिल गई ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बट प्रोटेक्शन 4 मिल नहीं रही है, फॉर्चून 3 तुम्हारे भाई के पास पहले से ही है, ठीक है। एफिशिएंसी 5 नहीं मिल रही, प्रोटेक्शन 4 नहीं मिल रही, ठीक है। शार्पनेस 5 हमको मिल चुकी थी बट नहीं यार, वो कहाँ मिली है बाद में। शार्पनेस 5 भी हमको चाहिए, ठीक है। फायर रेस्पेक्ट चाहिए, नोकबैक 2 चाहिए, और इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक एफिशिएंसी 1 चाहिए। अब भाई ये पता नहीं कब मिलने वाली है यार, मैंने लिख रखा है, मैं पता है भाई मुझे, मैं भूल जाऊँगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हुआ तो ठीक पे हो जा ना भाई, तू लास्ट बच हो जा ठीक। तो फाइनली गाइस यार मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी की बुक भी मिल चुकी है, लिटरली इतनी ज़्यादा सस्ती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैंने इसको $1 में बाय किया है। बाकी यहाँ अभी के टाइम पे मेरे सारे के सारे विलेजर्स जो है ना वो एकदम
लॉक्ड हो चुके हैं भाई, अभी मैं इनसे कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकता। अब बस ये सिर्फ वही ट्रेड करने वाले हैं जो कि मैंने इनसे ट्रेड करवाया भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड रात देखो भाई कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है यार, मतलब एकदम अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। बाकी एक बार आपको ना मैं इस साइड पे भी लेके चलता हूँ, ये रहा मेरा फार्म एंड यहाँ पे भाई इनकी भी ब्रीडिंग करवानी है भाई। ओ इनको तो मैं भाई देखता ही नहीं भाई। बाकी हाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली चेस्ट में बॉइस ऑफ मतलब पूरी भर चुकी है। एंड मेरे पास यहाँ पे जो ये है ना क्या बोलते हैं इनको, गुलाब के फूल जो मर्जी मान लो, ये मेरे पास ना बहुत सारे हो चुके हैं। इनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखो आयरन देखो भाई कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे आयरन आ चुके हैं। बट दिक्कत साली एक ही है कि यहाँ पे एक भी मॉब नहीं आ रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें से लूट कैसे आ चुकी है यहाँ पे भाई, इतनी अच्छी खासी लूट आ रखी है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं। बाकी यहाँ चलो कोई बात नहीं, अब एक कहते हैं चले चलते हैं अपने जितने भी आर्मर हैं उन सबको इंचेंट करते हैं, अपने जितने भी टूल हैं उन सबको भी इंचेंट कर लेते हैं भाई। ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है भाई। कहाँ पे है यहाँ से सारी की सारी बुक उठाऊँ क्या मैं? सबसे पहले तो सबसे पहले बुक उठाते हैं, इन सबको ऊपर साइड पे स्टोर करवा देता हूँ भाई। अभी के टाइम पे मैंने अपने टूल और आर्मर इन सबको नीचे रख लिया और जितनी बुक्स है ना उन सबको ऊपर साइड पे रख। भाई कितनी सारी बुक है यहाँ पे। बाकी अभी एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे ना एक बो बनानी थी, बो के लिए एक तो मुझे ये चाहिए एंड स्टिक्स चाहिए थोड़ी बहुत। यहाँ पे देखो कितनी सारी स्टिक पड़ी है भाई, लेट्स गो। अभी कहते हैं यहाँ पे चलते हैं एंड इसको मुझे किस तरीके से रखना है मैं भूल भी गया ऐसे कुछ। एंड इसको कुछ यहाँ पे हाफ यहाँ पे हाफ यहाँ पे, ओके अरे बन गया था यार। ओके तो ये रही वो, इसको यहाँ पे क्राफ्ट कर लेते हैं। एंड अभी के टाइम पे मेरे पास बहुत सारा सामान है इंचेंट करने के लिए, एक एक करके मैं सबको इंचेंट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी स्वॉर्ड को देखता हूँ भाई, स्वॉर्ड में अभी मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले तो लूटिंग 3 है मेरे पास है ना, लूटिंग 3 को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। लेट्स गो लूटिंग 3 यहाँ पे लग चुकी है। एंड अब ये काम करते हैं इसमें लगाते हैं अनब्रेकिंग 3, ये तो है वह पड़ी है भाई भर भर के पड़ी है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं ठीक है। अभी और कुछ लगेगा इसमें, एक और थी ना मेरे पास अनब्रेकिंग को, यही दो ही है यार इसकी तो, मतलब और भी चाहिए तो मुझे यहाँ पे। एक्स को तो अभी छोड़ो ठीक है, एक्स को अभी मैं यूज नहीं कर रहा। अभी क्या करते हैं इसको रखते हैं यहाँ पे ठीक है, इसमें लग जाएगी एक तो अनब्रेकिंग ठीक है, अनब्रेकिंग लगेगी लेट्स गो। एंड इसके अलावा यहाँ पे लगने वाली है मेंडिंग, मेंडिंग 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 बेसिकली इसी के लिए थी। वो कहाँ पे गई वो, ये रही देखो मेंडिंग को भी यहाँ पे लगा देते हैं ठीक है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी आर्मर की बारी आती है, इसमें मेंडिंग लगेगी ठीक है एंड साथ साथ में इसमें लगेगी अनब्रेकिंग 3, ये रही देखो इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। और तो नहीं चेस्ट में यार एक और चीज़ लगनी थी, हाँ एक और बुक लगेगी ये रही देखो थोर की, इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। क्या ये क्या चीज़ है, ये कोस्ट है क्या उसकी? ओ हेलो, अरे यार अगर जो मैं यहाँ पे लगाऊँ ये थोर की है तो मेंडिंग की लगाऊँ। ओ भाई 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 मुझे यहाँ पे एक्सपी चाहिए, अब एक्सपी मैं कहाँ से कलेक्ट करूँ? रात तो हो रही है ना, 15 की एक्सपी चाहिए भैया, बहुत सारी एक्सपी चाहिए मुझे लिटरली मजाक से हटके। गाइस सर मुझे नहीं लगता कि मैं एक्सपी फार्म के बिना इतनी जल्दी एक्सपी को कलेक्ट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे आके मर तो रहे हैं बट भाई ऊपर से आके सीधा नीचे मर ही जा रहे हैं भाई, मतलब एक ही आया है मेरे सामने, इसके अलावा तो यहाँ पे कोई आया भी नहीं है। और ये वाला फार्म पता नहीं भाई क्यों वर्क नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल में भाई मुझे यहाँ पे एक नया फार्म बनाना पड़ेगा जो कि भाई एक्सपी दे मुझे भर भर के। बट अब के टाइम पे मैं कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टाइम आप देख सकते हैं टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे 10:30 हो चुके हैं भाई, मैं मतलब क्या करूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, सोच लो गाइस आज की इस गेम प्ले वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आई नो कि मैं इनको पूरे तरीके से इंचेंट नहीं कर पाया हूँ बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में हम कम्प्लीटली सब कुछ करेंगे, मतलब अंडर ड्रैगन तक को भी किल कर देंगे ठीक है। मतलब काफी मतलब पहले से ही मैं सब कुछ तैयार रखूंगा बट आपके सामने यहाँ पे सब इंचेंट करेंगे एंड उसके बाद सामान बोरे बिस्तर उठा के सीधा निकलेंगे हम सीधा अंडर ड्रैगन को किल करने के लिए। सो चलो गाइस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चले जाके यार हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बाकी मिलते हैं आपको अगली गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।